शिमला नगर निगम के अन्नाडेल वार्ड के कॉमली बैंक के स्थानीय लोगों की पार्किंग और सामुदायिक भवन की लंबे समय से चली आ रही मांग अब जल्द ही पूरी होगी। वीरवार को निगम की महापौर कुसुम सदरेट ने इसका शिलान्यास किया। वहीं कैथू पुलिस लाइन के समीप नवनिर्मित वर्षा शालिका का लोकार्पण भी किया। वर्षों से लंबित कॉमली बैंक के स्थानीय लोगों की पार्किंग और सामुदायिक भवन की मांग अब जल्द पूरी हो जाएगी। स्थानीय पार्षद और नगर निगम शिमला की महापौर कुसुम सदरेट ने वीरवार को इसका शिलान्यास किया। इसके निर्माण पर 55 लाख रुपए की लागत का अनुमान है और इसके बन जाने से स्थानीय लोगों को जहां अपनी गाड़ियां खड़ी करने का सुरक्षित स्थान मिलेगा, वहीं सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण होने वाली आवाजाही की समस्या से भी निजात मिलेगी। इसके साथ ही महापौर कुसुम सदरेट ने पुलिस लाइन के समीप 4 लाख रुपए की लागत से बनी वर्षा शालिका का भी लोकार्पण किया। नगर निगम महापौर कुसुम सदरेट ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि क्षेत्र के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, आज जो है हमने जो यहाँ पर पुलिस लाइन के पास एक रेन शेल्टर बनाया था, उसका आज उद्घाटन किया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों को जब बारिश होती है तो लोगों को दिक्कत होती थी खड़े होने में, इसलिए हमने यहाँ पर जो है रेन शेल्टर बनाया है और ये 4 लाख की लागत से बना है और ये भी लोगों को आज समर्पित कर दिया गया है ताकि लोग जो यहाँ पर बैठे आराम से, क्योंकि यहाँ पर चढ़ाई ज़्यादा है, उतराई चढ़ाई ज़्यादा है और लोग नीचे से आते तो भी विश्राम करते हैं, ऊपर से आते तो भी विश्राम करते हैं और जैसे बारिश का मौसम होता तो लोग यहाँ पर खड़े होते हैं। इसलिए लोगों की सुविधाओं के लिए ये लोगों की डिमांड कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें रेन शेल्टर नहीं है, तो कब तक उनको बनवाने का होगा प्रयास? देखिए, मेरा मैंने हमेशा ही सबसे निवेदन किया है, मैंने हाउस में स्पेशली ये बात रखी है कि प्रत्येक पार्षद, हमारे 34 लोग हैं, मैंने सबसे ये कहा है कि सब लोग जो अपने अपने वार्ड में दो दो अपने पार्किंग, दो दो जो है ट्रेन शेल्टर या कोई भी डिमांड से जिन जो भी जनता को चाहती है, जो जनता उसको जो है पार्षद जो है लेके आए और उसको जो है पूरा किया जाए। एक सवाल के जवाब में महापौर ने कहा कि न्यायालय के आदेशानुसार नगर निगम की विशेष सदन की बैठक 1 माह के भीतर आयोजित की जाएगी। उसने रखा था, एक्चुअली जब पहले हाई कोर्ट के आदेश आए थे तो उसमें ये कहा गया था कि जो रेट बढ़ने हैं उसके लिए कमेटी गठित करने को कहा था, तो हमने 16 लोगों की कमेटी गठित की थी जिसमें 16 के 16 पार्षद थे, तो उसमें हम लोगों ने व्यापार मंडल वालों को भी डाला था और बाकी पार्षद जितने थे उनको भी डाला था। उनको हमने टाइम दिया था कि इस कमेटी को आप जल्द से जल्द बनाएं और जो इसमें निर्णय होगा उसको हम जो स्पेशल हाउस में ले जाएंगे और वहाँ पर फाइनल करेंगे, लेकिन कमेटी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई हमें सूचना दी, इस पर कोई कार्य नहीं किया गया, इस वजह से हमारे को स्पेशल ऑर्डर स्थगित करना पड़ा। अब कब तक हो जाएगा ये? बिल्कुल, अब कल ही हाईकोर्ट के ऑर्डर आए हैं, हम लोग 1 महीने का समय दिया, हमें 1 महीने के अंदर हमें करनी है, तो हम जल्द से जल्द करेंगे और जो भी हमारा डिसीजन होगा हम कोर्ट को देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।